This video is brought to you by Alpine Academy, subject chemistry class first year, Sindh textbook board, Jamshoro. Chemistry class first year, second year, Sindh textbook board, Jamshoro. Assalamualaikum guys, welcome to Alpine Academy, lecture number 3 of chapter number 4 of your textbook, Chemical Bonding. Today we are going to discuss about pi bond and the difference between pi and sigma bonds, as well as what is hybridization and what are the main types of hybridization and which type we will be discussed in this video. So let's move forward for pi bond. Pi bonds, the bond formation by sideways overlapping of coplanar atomic orbital is called pi bond. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास जो ऑर्बिटल्स हैं उसकी साइडवेज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको आप बोलते हैं पाई बॉन्ड. ठीक है, यानी साइडवेज ओवरलैपिंग मींस, जैसे लेट सपोज आपके पास यहाँ पे एक ऑर्बिटल ये है, ठीक है, दूसरा ये ऑर्बिटल इसके अपोजिट दूसरे एटम का, तो ये जो साइडवेज ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, ये जो मिल रहे हैं मतलब इस फेस से एक दूसरे से मिलेंगे, तो इसको बोलते हैं साइडवेज और लैटरल ओवरलैपिंग. ठीक है, लैटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं इसको. तो द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ टू अटोमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड एज पाई बॉन्ड. द टू पी ऑर्बिटल्स इन अ पाई बॉन्ड मस्ट बी कोप्लेनर. वॉट इज द कंडीशन ऑफ पाई बॉन्ड? दैट द ऑर्बिटल्स मस्ट बी इन अ कोप्लेनर. इट्स मीन बोथ ऑर्बिटल हैज टू बी इन सेम प्लेन. ठीक है, यानी एक ही प्लेन पे लाए करने चाहिए. लेट सपोज अगर हम एक प्लेन कंस्ट्रक्ट करें, यहाँ पे एक 3D प्लेन अगर हम बना देते हैं, ठीक है, ये एक प्लेन है. अब इसके ऊपर ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, एक मतलब एक अटोमिक ऑर्बिटल है. तो इनका जो प्लेन है वो यहीं इसी पे लाए कर रहा है. ठीक है, ये प्लेन के एक ही सेम प्लेन के ऊपर ये दोनों लाए कर रहे हैं. इसका मतलब ये दोनों जब एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे, मिलेंगे, तो ये एक दूसरे के साथ पाई बॉन्ड बना रहे होंगे. ठीक है, पाई बॉन्ड इसको सिर्फ एक ही कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, ये एक ही पाई बॉन्ड है. ये दो मैंने जो है कितने लाइन ड्रॉ की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दो पाई बॉन्ड बनना है. ठीक है, दो ऑर्बिटल्स जब मिलेंगे तो उनके साइडवेज के साथ जब मिलेंगे तो उसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड कहलाएगा. मैक्सिमम ओवरलैप कॉज हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ. सो इन पाई बॉन्ड फॉर अचीविंग मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्बिटल कंबाइन पैरेलल टू देम. अच्छा, मैक्सिमम ओवरलैप मतलब क्या होता है? ओवरलैप किस पोजीशन पे सबसे ज़्यादा हो सकता है. ठीक है, किस पोजीशन पे सबसे ज़्यादा हो सकता है? जो ये पोजीशन है, एक ये वाली, दूसरी ये वाली. और सबसे कम किस पे होगा? जब ये दोनों कोप्लेनर नहीं होंगे. ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो सकते हैं. जैसे लेट सपोज एक ये हो गया और दूसरा ऑर्बिटल है, एक दूसरा ऑर्बिटल ये हो गया. ये जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो कोई ओवरलैपिंग ही नहीं होगी. सिंपल आपके पास ऐसा कुछ कंपाउंड बन जाएगा. तो ये कुछ ओवरलैप ही नहीं हुआ है. ठीक है, तो इसमें आपके पास मिनिमम स्ट्रेंथ होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ. ठीक है, बेसिकली इसमें पाई बॉन्ड बन ही नहीं सकता क्योंकि कोई ओवरलैप हो ही नहीं रहा है ऑर्बिटल. ठीक है, तो मैक्सिमम आपके पास ओवरलैपिंग तब होगी जब ज़्यादा से ज़्यादा एरिया दोनों ऑर्बिटल्स का एक दूसरे के साथ मिलेगा. ठीक है, इन पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस एन एरिया ऑफ ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द टू न्यूक्लाई ऑफ एटम अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस. अच्छा, इसमें ये मतलब ये है कि जब भी आपके पास पाई बॉन्ड बनते हैं तो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है और ज़्यादा एरिया मिलता है इलेक्ट्रॉन्स को उसमें रहने के लिए. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा जगह मिल जाती है, एक तो प्लेन के ऊपर मिल जाती है और एक दूसरी प्लेन के नीचे मिल जाती है. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो एरिया होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा होता है किसी भी ऑर्बिटल के अंदर. ठीक है, और पाई बॉन्ड आपके पास दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करता है, एक प्लेन से ऊपर और एक प्लेन से नीचे. ठीक है, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें यहाँ पे, तो पाई बॉन्ड क्या है यहाँ पे, एक ये प्लेन हो गया. ठीक है, ये वाला जो प्लेन है, इसी तरह ये ऊपर अपोजिट ये वाले दो प्लेन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इसी तरह यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी नीचे वाले प्लेन पे भी. तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाया जाता है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी हाई इन दिस रीजन. अब ये देखें, अगर ये जैसे रिएक्ट हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, जब ये फिगर रिएक्ट हो रही है, यानी पी अटोमिक ऑर्बिटल आपके पास दूसरे पी अटोमिक ऑर्बिटल के साथ मिल रहा है सेम एक्सिस पे, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ मैक्सिमम ओवरलैप करेंगे और ओवरलैप करके एक मॉलिक्यूल बना देंगे. ठीक है, जिसमें टू न्यूक्लियस ऑफ एटम होंगे. ठीक है, एक तो ऊपर और एक नीचे होगा. ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, हम यहाँ पे जब दो ऑर्बिटल्स मिले हैं तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया और जिसका हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एज वेल एज यहाँ पे लोअर भी
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यानी दो एक्सेस हैं, एक सॉरी दो रीजन हैं, एक अबव एंड बिलो द प्लेन, देयर विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेरेंट एटम, यानी इस जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, ठीक है, और ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, और ये स्टेट जो है वो बहुत ही स्टेबल स्टेट है। जब ये पाई ऑर्बिटल्स मिल जाते हैं, सॉरी एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग के जरिए और पाई बॉन्ड बना देते हैं, तो आपकी जो बेसिकली एनर्जी है वो भी लो हो जाती है और ये स्टेबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपल पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से अलग ऐसे है कि सिग्मा बॉन्ड में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है और पाई बॉन्ड में साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ पाई बॉन्ड क्या है? कंसिडर द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, सॉरी 2p4। अब 2p4 में कैसे कॉन्फिगरेशन हो रही है? 2px2, 2py1, 2pz1। ठीक है, 2p4 है यानी p के पास चार इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो दो x के जाएंगे, एक y में जाएगा, एक z में जाएगा। तो यहाँ जो बेसिकली यहाँ पे जो एक एक इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड है, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ऑप्शन के दो इलेक्ट्रॉन से मिलेंगे, ठीक है, और आपके पास सिंपल एक पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, और उसको पाई इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं आप, ठीक है, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड बना है। पी जेड ऑर्बिटल ऑफ बोथ एटम्स ओवरलैप टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, यानी एक ऑर्बिटल आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, सबसे पहली कंडीशन क्या होती है पाई बॉन्ड की? कि आपके पास जो पाई बॉन्ड है वो हमेशा सेकेंड बॉन्ड कहलाता है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो आपका पहला बॉन्ड किसी भी एटम के बीच में बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको मतलब माइंड में इसको रखें कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा पहला बॉन्ड होता है, उसके बाद जितने भी बॉन्ड बन सकते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो पी वाई ऑर्बिटल आपके पास सिंपल पाई बॉन्ड बनाएगा और पी जेड जो है वो पहले रिएक्ट करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा। पी वाई ऑर्बिटल ऑफ बोथ ऑक्सीजन एटम्स अंडरगोस पैरेलल ओवरलैपिंग टू फॉर्म पाई बॉन्ड, ठीक है, ये पी जेड ऑर्बिटल है, ठीक है, पिंक शेड में जो है ये आपके पास पी जेड ऑर्बिटल और हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह पाई बॉन्ड जो है आपके पास साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, ये साइड और इसी तरह ये साइड इससे ओवरलैप हो रही है और इसी तरह ये वाली साइड, ये चारों साइड एक दूसरे के साथ पैरेलली ओवरलैप हो रही है और पाई बॉन्ड बना रही है, ठीक है। कंडीशंस क्या होती हैं पाई बॉन्ड की? सबसे पहली कंडीशन ये होती है द टू एटम्स विच आर इन्वॉल्व इन पाई बॉन्डिंग मस्ट बी लिंक्ड विद सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, वही यहाँ पे कंडीशन मैंने आपको पहले जो सेकंड उसमें बॉन्ड लाइन में लिखी हुई है सेकंड पोर्शन में, कि हमेशा पाई बॉन्ड जब भी इन्वॉल्व होगा दो एटम के बीच में तो उसके लिए इन दोनों एटम्स का लिंक होना चाहिए सिग्मा बॉन्ड के जरिए, ठीक है, यानी दो जो एटम हैं उनका लिंक पहले सिग्मा बॉन्ड करेगा, ठीक है, यानी ये सिग्मा बॉन्ड से ज्वाइंट होंगे, उसके बाद पाई बॉन्ड इन दोनों के साथ रिएक्ट करके इनके इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बना रहे होंगे एक दूसरे के साथ शेयर होके, ठीक है। अब सेकंड क्या है आपके पास इसकी कंडीशन? द ऑर्बिटल विच आर इन्वॉल्व इन पाई बॉन्डिंग मस्ट बी कोप्लेनर, ठीक है, ऑर्बिटल जो है उनको एक दूसरे के प्लेन पे होना ज़रूरी है, ठीक है। लेट सपोज अगर ये y है, ठीक है, ये पी वाई है यहाँ, ठीक है, ये आपके पास इससे नहीं मिल सकता, ठीक है, इसका प्लेन ये है और इसका प्लेन समथिंग लाइक दिस ऐसा है, तो ये सेम प्लेन नहीं हुआ है, ठीक है। कोप्लेनर मींस इनका प्लेन सेम होगा, जैसे y है पी वाई, पी वाई के साथ ही मिलेगा, पी जेड के साथ मिलेगा और इसी तरह पी एक्स, पी एक्स के साथ मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल पाई बॉन्ड में ये है कि प्लेन आपके पास सेम होना चाहिए, ठीक है, ये सारी इसकी एग्जांपल और कंडीशन है। नाउ वी आर गोइंग टू एंड पाई एंड सिग्मा बॉन्ड विद द ब्रीफ डिस्कशन एंड नाउ वी विल डिस्कस द कंपैरिजन बिटवीन देम। फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा बॉन्ड इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सिमिलरली पाई बॉन्ड इज अपोजिट टू दिस, इन दिस द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड टुगेदर विद पैरेलल टू ईच अदर और आर ओवरलैप्ड पैरेलली, ओके, एंड सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर इन नेचर एंड पाई बॉन्ड इज वीकर इन नेचर बिकॉज द मैक्सिमम ओवरलैप अकर्स इन सिग्मा बॉन्ड एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड, ओके। बॉन्ड एनर्जी इज हाई बिकॉज इट्स स्ट्रॉन्गर इन नेचर सो इट्स बॉन्ड एनर्जी इज ऑल्सो हायर एंड पाई बॉन्ड इज वीक इन नेचर सो द बॉन्ड एनर्जी इज वेरी लो एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। नो रिस्ट्रिक्शंस इन फॉर्मिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इट्स मीन वेन एवर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड द फर्स्ट बॉन्ड विल बी क्रिएटेड और विल बी मेड इज सिग्मा बॉन्ड, ओके। बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड एटम मस्ट बी लिंक बाय सिग्मा बॉन्ड। If two atomic orbitals are combining with each other by sideways overlapping of their atomic orbital, there is a condition
for forming a pi bond. First sigma bond has to be made between them, otherwise it will not create a bond. Okay, only if sigma bond is formed between two atoms, more than one pi bonds are formed between the two atoms, it means there is only one sigma bond which is allowed to link two other atoms, and there is no 2, 4, 3 and other than one sigma bond. Only you have one sigma bond which linked firstly both atomic orbitals, and if you have one sigma bond, then the other bonds will create the atomic orbital is pi bond. Okay, now we will discuss. So hybridization, first of all हमें ये concept पता है कि सबसे last valence shell electron जो होता है वो पता आता है कि उसमें कितने bond बनेंगे. Let's suppose किसी atom में दो electron है, वो भी unpaired, ठीक है, तो वो unpaired electron दो जो हैं वो हमेशा दो bond बनाएंगे. ठीक है, ये theory हम पढ़ते आ रहे हैं, but ये theory change हो सकती है with the help of hybridization. अगर हम hybridization करते हैं तो उसके हमें क्या करना पड़ता है, हम किसी भी एक ऐसे एलिमेंट को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे लेके जाते हैं जिससे उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मीन्स अगर कोई ऐसा एटम है जो दो बॉन्ड बना रहा था ग्राउंड स्टेट पे, ग्राउंड स्टेट यानी जो नॉर्मल वो अपनी पोजिशन या स्टेट में पाया जाता है, उस स्टेट में अगर वो दो बॉन्ड बना रहा है तो अगर हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन करें, उसको एक्साइड करें, तो वो दो के बजाय तीन बॉन्ड बना देगा. ठीक है, तो ये थ्योरी यहाँ पर थोड़ी चेंज हो जाती है. In terms of unpaired electron at ground state, beryllium expected to behave as inert gas and boron expected to monovalent and carbon expected to quadrivalent. इसका मतलब ये है, अगर हम इनकी ground states की बात करें तो beryllium की ground states में कोई भी electron filled नहीं होता. Sorry, कोई भी electron या कोई भी orbital unfilled नहीं होता, यानी सारे orbitals fully filled होते हैं. ठीक है, ये beryllium में. और इसी तरह अगर हम बोरॉन की बात करें तो बोरॉन आपके पास मोनोवेलेंट है, यानी उसके आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है. इसी तरह आपके पास जो कार्बन है उसके आखिरी शेल में यानी तीन इलेक्ट्रॉन है, जिसका मतलब वो है ट्राईवेलेंट. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस बेरिलियम बोरॉन एंड कार्बन आर डाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट एंड टेट्रावेलेंट. इसका मतलब ये है कि एक्चुअली में होता क्या है कि बेरिलियम आपके पास मोनोवेलेंट हो जाता है, ठीक है, और आपके पास बोरॉन आपके पास ट्राईवेलेंट हो जाता है और कार्बन आपके पास टेट्रावेलेंट हो जाता है. ठीक है, अभी बेरिलियम और ये सारी चीज़ें डाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट, टेट्रावेलेंट कैसे होते हैं, जब अगर हम इसको एक्साइट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को. ठीक है, किसी भी एटम को हम अगर हम एक्साइट कर देते हैं तो वो अपनी एक स्टेट पर आगे चला जाता है. द प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट एनर्जीज आर मिक्स टूगेदर और ओवरलैप टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल हैविंग सेम शेप एंड सेम एनर्जी इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. इसका मतलब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट शेप के, डिफरेंट एनर्जी के, डिफरेंट साइज के ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिलते हैं और ओवरलैप्ड होते हैं और न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं. ठीक है, यानी न्यू ऑर्बिटल बन रहे होते हैं उसको आप बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन. यानी अब जो न्यू ऑर्बिटल बन रहे हैं उनकी एनर्जी, उनकी शेप, उनकी साइज इक्वल होती है. ठीक है, उसको आप हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं. जैसे इसमें यहाँ पे ये पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड जब एक दूसरे से अलग अलग साइज, मतलब अलग अलग शेप है, ओरिएंटेशन डिफरेंट है, एनर्जी चेंज है, जब ये एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं तो आपके पास कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकलते हैं, टोटल तीन निकलते हैं. ठीक है, एक बात और अच्छे से याद रखनी है कि अगर आपके पास दो एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन हो रही है तो आपके पास हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल्स भी सिर्फ दो ही निकलेंगे. ठीक है, लेट्स सपोज अगर पी एक्स और पी वाई मिल रहे हैं तो आपके पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकलेंगे. ठीक है, जो पी एक्स पी वाई का सम अप होगा, जिसकी एनर्जी भी बराबर होगी और उसका शेप भी बराबर होगा. अब बात आ जाती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की. अच्छा, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं और ये टाइप्स डिपेंड करती हैं कितने ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं. तो हमारे पास सबसे पहले आ जाती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन. sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपके पास एक s होता है और तीन p ऑर्बिटल होते हैं. ठीक है, यानी s आपके पास सिंपल हाइड्रोजन का हो सकता है और p आपके पास कोई भी दूसरा एटम जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन p पे एंड हो रही होती है. तो होता क्या है, द मिक्सिंग ऑफ वन s ऑर्बिटल एंड थ्री p ऑर्बिटल्स टू प्रोड्यूस फोर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज नोन एज sp3 और टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन.
इसका मतलब यह है कि आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपके एटम्स में एक एटम s का होता है, ठीक है, मतलब उसका एक ऑर्बिटल s का होता है और दूसरे एटम के आपके तीन ऑर्बिटल p के होते हैं। अब जब एक s और तीन p आपके साथ मिल रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तो टोटल फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं विद सेम एनर्जी एंड सेम शेप के, उसको बोलते हैं हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशंस के मॉलिक्यूल्स की, सबसे पहले आ जाती है दे पोजेस द बोथ कैरेक्टर ऑफ s एंड p ऑर्बिटल इन द रेशियो ऑफ 1:3, यानी उसके कैरेक्टर में आपके पास 1s यानी जो 1s और 3p है, तो इसका मतलब उसका रेशियो भी 1:3 होगा क्योंकि 3p हैं और एक s है, यानी 25% आपके पास s की प्रॉपर्टीज होंगी, s ऑर्बिटल्स की प्रॉपर्टीज होंगी उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और 75% आपके पास p ऑर्बिटल की प्रॉपर्टीज उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में होंगी, ठीक है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन को हम टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं क्योंकि इसका शेप टेट्राहेड्रल होता है। शेप ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल इज टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, यानी ये टेट्राहेड्रल शेप है इसका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का। अब आपके पास चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो सिंपल आपके पास इसका शेप टेट्राहेड्रल ही बनता है। एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल इज 109.28 डिग्री और हर एक ऑर्बिटल के बीच का जो एंगल है वो 109.28 डिग्री कहलाता है। एक्वायर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग देन देयर पेरेंट एटम्स, इसका मतलब ये है कि जो पेरेंट एटम्स होते हैं उनके ऑर्बिटल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत वीक होती है एज कम्पेयर टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एग्जाम्पल आ जाती हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल है मीथेन के ऊपर, ठीक है। अगर हम मीथेन की बात करें, मीथेन आपकी नेचुरल गैस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपोजिशन में आपकी घरों में भी पाई जाती है। उसके अलावा जो है अगर हम बात करें मीथेन के स्ट्रक्चर की तो वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, उसकी डायपोल मोमेंट भी ज़ीरो है। हम पीछे देखते आ रहे हैं कि CH4 का स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होता है यानी उसकी डायपोल मोमेंट भी ज़ीरो होगी। अच्छा, अब ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बन कैसे रहा है और कार्बन क्या हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है, ये हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से चेक करेंगे कि कार्बन के आखिरी स्टेट यानी आखिरी शेल में होते हैं चार इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आखिरी शेल कहाँ है इसका, एक तो पहला शेल ये रहा, ठीक है, ये फर्स्ट शेल है, दूसरा शेल इसका ये रहा, ठीक है। इस दूसरे शेल में इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार इलेक्ट्रॉन, दो s में हैं और दो एक एक करके px और py में हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये है सिंपल ग्राउंड स्टेट, यानी कार्बन को आपने जहाँ से उठाया ऐसे ही हाथ में रख के उसकी ग्राउंड स्टेट है, यानी उस पर कोई एनर्जी नहीं दी या कुछ भी उसमें से एनर्जी लॉस नहीं करवाया, तो उस वक्त उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ऊपर वाली लाइन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये होती है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अगर हम कार्बन को एक्साइटेड कर दें, एक्साइटेड मीन्स उसको कुछ एनर्जी दे दें या कुछ हीट कर दें, तो इससे क्या होगा कि जो s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, ठीक है, वो चला जाएगा pz में, तो इस हिसाब से चार आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए चार। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन यानी आपके पास एक s ऑर्बिटल, ठीक है, ये s एक s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, दूसरा आपके पास p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये सारे आपके पास p ऑर्बिटल्स के तीन इलेक्ट्रॉन हैं। जब ये एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो आपके पास चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अब ये चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या हैं, लेट सपोज आपके पास डिफरेंट डिफरेंट साइज शेप के ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं तो चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। अब वो चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल किसी दूसरे ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, और अपने आप को स्टेबल कर लेंगे, जैसे CH4 है, ठीक है। अब अगर हम CH4 की बात करें तो ये CH4 की जो चार हैं ये आपके पास ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ। तो अब जब ये sp3s ओवरलैपिंग हो रही है यानी sp3 किसके, कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये s क्या है, सिंपल s का हाइब्रिड, मतलब ये हाइब्रिड तो हो नहीं सकता, हाइड्रोजन के पास हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती क्योंकि उसके एक ही इलेक्ट्रॉन, उसके पास एक ही s ऑर्बिटल होता है, तो उसके उसके डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं ही नहीं तो वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो सिंपल ओवरलैप कर जाएगा और सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा होगा। तो ये आपके पास सिंपल sp3 ऑफ s ओवरलैपिंग का स्ट्रक्चर है, यानी ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। अगर मैं मीथेन का स्ट्रक्चर नॉर्मली बनाऊँ तो मीथेन का स्ट्रक्चर आपके पास बुक में या आपने ऐसा भी पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये हर जगह से ये चार स्ट्रक्चर निकल रहे हैं जो कि हाइड्रोजन से मिल रहे हैं, यानी ये बेसिकली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं और सिग्मा बॉन्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक या इसकी मतलब नेचर है,
ठीक है, पाई बॉन्ड नहीं बन सकता, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, और हर जगह से एंगल कितना है इसका 109.28, ठीक है, यहाँ से इसका एंगल कितना है 109.8, यहाँ से यहाँ तक का कितना है, यहाँ से यहाँ तक का कितना है, ये सारे एंगल्स एक दूसरे के बराबर हैं 109.28 डिग्री। और उसके अलावा जो इनकी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, लेट सपोज जैसे ये है कि ये जो रेड ऑर्बिटल है ये आपके पास हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है, ठीक है, जैसे मैंने ये हाइड्रोजन लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है ये बेसिकली आपके पास इस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है, ये सर्कुलर वाले को इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके पास ये हाइड्रोजन के ऑर्बिटल है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल रिएक्ट कर रहा है sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, ठीक है, sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन के कितने आ गए आपके पास, एक ये रहा, ठीक है, एक ये रहा, और टोटल चार ब्लू ऑर्बिटल हैं, तो ये आपके पास sp3 ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन है। अब ये sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन रिएक्ट करेंगे एस ऑर्बिटल के साथ और आपके पास मीथेन का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। For more details on remaining lectures and chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number 92318-3186-660, or you can email us on alpineacademy@gmail.com. Hybridization of ethane. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इथेन में भी आपके पास यही है कि सिंपल जितनी भी एल्केन फैमिली है, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सारे जितने भी हैं एल्केन फैमिली जिनके एंड में, नाम के एंड में ANE लगता है, वो सारे इसके सारे sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन हमारे पास क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी उसके चार आपके पास ऑर्बिटल होते हैं, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और चौथा ये रहा। इसी तरह दूसरे कार्बन एटम के भी चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं sp3, ठीक है। और इसी तरह जब ये sp3 मिलेगा तो आपके पास यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और इसी तरह जो है ये वाला जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन की, जो sp3 ऑर्बिटल है, ये sp3 ऑर्बिटल s ऑर्बिटल के साथ मिलेगा, सारे sp3 जो तीन रिमेनिंग sp3 होंगे वो s ऑर्बिटल के साथ मिलके मीथेन के अलावा इथेन का स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, ठीक है। जब एक मीथेन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास चारों ऑर्बिटल चार एस के साथ मिलते हैं, अगर हम इथेन की बात करते हैं तो छः ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, सिक्स ऑर्बिटल ऑफ एस रिएक्ट विथ सिक्स ऑर्बिटल ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, यानी यहाँ पे कार्बन आपके पास दो कार्बन एक एक अपना ऑर्बिटल खुद से रिएक्ट करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, बाकी जितने बन रहे हैं वो सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बन रहे हैं, और सबके बीच का एंगल कितना है 109.28, ठीक है। ये इसका बिल्कुल एक लाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला आपके पास लाइन स्ट्रक्चर है, और ये आपके पास दूसरा जो है वो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपके पास सिंपल लाइन स्ट्रक्चर है। पेपर में आपसे बोला जाए कि इसका लाइन स्ट्रक्चर बनाना है तो आपने ये वाला स्ट्रक्चर बनाना होगा, अगर आपसे बोला जाता है कि ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाना है तो आपने इसका सिंपल ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाना होगा, ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए कि इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाना है, लुईस स्ट्रक्चर मींस कि आपके पास जो सिंपल है वो डॉट डॉट में इलेक्ट्रॉन को शो करना होगा, ये मैं इसको लाइन को मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है, और इसी तरह एक और हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और यहाँ एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी होगा कि आपके पास इस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक है। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ये रहा इस वाले कार्बन का, एक इसके साथ मिलाएगा दूसरे हाइड्रोजन के साथ, एक इसके साथ और ये दूसरा हाइड्रोजन के साथ, एक इसका कार्बन का और ये दूसरा हाइड्रोजन, इस हिसाब से कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे 1 2, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हुए, ठीक। अब ये 7 वाला जो कार्बन है ये रिएक्ट करेगा इसके साथ, ठीक है, आपके पास जो है कार्बन, जो दूसरा कार्बन है वो उसके इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये कार्बन का एटम इस वाले हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये कार्बन का एटम इस वाले हाइड्रोजन के साथ, और ये कार्बन का एटम भी सॉरी इलेक्ट्रॉन भी इस वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अब इनके पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इस वाले कार्बन के पास। इसी तरह इस कार्बन की काउंटिंग करते तो 2 इलेक्ट्रॉन 4 6 और टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपके पास लुईस स्ट्रक्चर है या इलेक्ट्रॉन का डॉट क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर भी कहलाता है ये। नाउ व्हाट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी बिल्कुल इसी तरह है, इसकी थ्योरी भी, उसकी कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हैं, बट डिफरेंस बिटवीन sp3 एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स,
But in sp3 hybridization, the mixing of 1s and 3p orbitals react mixed together and overlap together to form 4 sp3 hybrid orbitals. यानी अब यहाँ पे sp2 hybridization में आपके पास एक s orbital होगा, दो p orbital होंगे. जब दोनों तीनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो आपके पास तीन sp2 hybrid orbitals मिल जाएंगे. ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं sp2 hybridization. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं sp2 hybridizations की? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक, द शेप ऑफ sp2 hybrid orbital इज ट्राइगनल. ठीक है, यानी आपके पास जो शेप बन रहा है वो ट्राइगनल है. ठीक है, यानी इसमें तीन ऑर्बिटल्स जो मिल रहे हैं हमें, यानी एक s और दो p मिल रहे हैं, तो तीन ऑर्बिटल मिल रहे हैं. ठीक है, सेम शेप के, सेम एनर्जी के. अब वो सेम शेप एनर्जी के ऑर्बिटल जब अरेंज होंगे तो उनका स्ट्रक्चर होगा आपके पास ट्राइगनल स्ट्रक्चर. ठीक है, स्टेप नंबर टू, कैरेक्टरिस्टिक नंबर टू, दीज ऑर्बिटल्स को प्लेनर एंड डायरेक्टली टूवर्ड द कॉर्नर ऑफ ट्राइगनल विद एन एंगल ऑफ 120. यानी जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोप्लेनर होंगे. ठीक है, यानी एक ही प्लेन पे तीनों ऑर्बिटल लाई कर रहे होंगे और आपके पास जो एंगल है उनके ऑर्बिटल्स के बीच का वो 120 होगा. ठीक है, 120 मींस ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के तरीके से भी एक दूसरे से अरेंज होते हैं. यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल भी ऐसे ही अरेंज होता है जिस तरह ये ट्रायंगली अरेंज होते हैं. उनका एंगल भी 120 डिग्री होता है एक दूसरे के साथ. हाइब्रिड ऑर्बिटल कंसीडर टू हैव अ कैरेक्टर दैट इज 1/3 ऑफ एस एंड 2/3 ऑफ पी ऑर्बिटल. अगर आपके पास एक s ऑर्बिटल मिल रहा है, दो p ऑर्बिटल मिल रहे हैं, तो इसका मतलब टोटल कितने ऑर्बिटल हुए? तीन ऑर्बिटल. तो s की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? एक s है तो 1/3 कैरेक्टरिस्टिक, यानी 33.33 समथिंग कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी परसेंट उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में. ठीक है, क्योंकि s की कैरेक्टरिस्टिक 1/3% होगी. इसी तरह जो है p ऑर्बिटल की कैरेक्टरिस्टिक होगी 2.3. ठीक है, तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हैं कि आपके पास p ऑर्बिटल की कैरेक्टरिस्टिक कितनी पाई जाएंगी और s ऑर्बिटल की कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएंगी. द फोर्थ प्योर p ऑर्बिटल विच इज नॉट इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन इज रिमेन अनहाइब्रिडाइज. हमने पढ़ा था कि sp3 में आपके पास तीन p ऑर्बिटल रिएक्ट करते हैं, लेकिन sp2 में दो p ऑर्बिटल कर रहे होते हैं. अब जो तीसरा p ऑर्बिटल होता है वो प्योर p ऑर्बिटल होता है, यानी वो कुछ नहीं कर रहा. ठीक है, उसको अलाउ नहीं किया जा रहा कि वो हाइब्रिडाइजेशन में आए, तो इसलिए उसको हम कहते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. ठीक है, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितने भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वही आपके पाई बॉन्ड बना रहे होते हैं. ठीक है, ये भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल किसी दूसरे एटम के अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ मिलकर पाई बॉन्ड क्रिएट कर लेगा. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन. व्हाट इज दिस एग्जाम्पल? लेट्स सपोज कंसिडर द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन. ठीक है, अब इथीन के स्ट्रक्चर होता है ये. अब अगर हम इथेन का फॉर्मूला पढ़ें तो इथेन का फॉर्मूला होता है C2H4. ठीक है, यानी दो कार्बन और चार हाइड्रोजन. तो ये आपके पास इथेन का फॉर्मूला है. अब इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है? हमने पढ़ा था sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन की. जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसमें आपके पास तीन ऑर्बिटल मिलते हैं. ठीक है, एक ऑर्बिटल आपके पास सिंपल ये वाला है, दूसरा ऑर्बिटल ये है, और तीसरा ऑर्बिटल कार्बन का इस तरफ है जो दूसरे कार्बन के तीसरे ऑर्बिटल के साथ मिलकर सिग्मा बॉन्ड बना रहा है. ठीक है, बाकी जो दो दो ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के वो आपके पास हाइड्रोजन के साथ मिलके, हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल के साथ मिलके सिग्मा बॉन्ड बना रही है. यानी यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, ठीक है, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है वो किसकी हो रही है? sp2 और s ऑर्बिटल्स की. इसी तरह यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है इसी तरह यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है वो sp2 into sp2 ओवरलैपिंग हो रही है. ठीक है, अब आपके पास एक ऐसा ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिडाइज है, यानी हाइब्रिडाइजेशन में कोई उसने रिएक्शन नहीं किया. तो उसके साथ क्या आ रहा होगा कि वो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ मिलके पाई बॉन्ड क्रिएट कर रहा होगा. ठीक है, तो हमेशा पाई बॉन्ड की कंडीशन क्या थी कि हमेशा पाई बॉन्ड तब बनता है जब सिग्मा बॉन्ड बन चुका होता है. ठीक है, उसके पहले पाई बॉन्ड कभी नहीं बन सकता. तो सिग्मा बॉन्ड की रिक्वायरमेंट उसके लिए सबसे पहले प्रायोरिटी है कि सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनना चाहिए, उसके बाद फिर पाई बॉन्ड बनेगा. तो इस हिसाब से इसका ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है. और अगर हम इसका लाइन स्ट्रक्चर बनाए तो सिंपल इन ऑर्बिटल्स की जगह एक लाइन ऐसे जनरेट कर देंगे. ठीक है, और एक लाइन ऐसे जनरेट हो जाएगी और एक लाइन ऐसे जनरेट हो जाएगी. और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है उसके लिए हम एक डबल लाइन क्रिएट करेंगे. ठीक है, जो कि बता रही होगी कि ये पाई बॉन्ड की लाइन है. ठीक है, पाई बॉन्ड को भी आप डबल शो कर देंगे. तो ये इथीन के स्ट्रक्चर में डबल कोवेलेंट बॉन्ड आ रहा होता है, जिसमें एक आपका सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है. ठीक है, ना sp1 हाइब्रिडाइजेशन और वी कैन से इज sp हाइब्रिडाइजेशन. sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि आपके पास एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिलते हैं, तो दो इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मींस सेम शेप एंड सेम एनर्जी के
sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं उसको बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है कि द sp हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज देमसेल्फ एज डायगनली और लीनियरली। इसका मतलब यह है कि इनका जो स्ट्रक्चर होगा या तो वो ऐसे स्ट्रक्चर पे होता है या फिर वो ऐसे स्ट्रक्चर हो सकता है या फिर ऐसे स्ट्रक्चर होता है, तो डायगनल और लीनियर स्ट्रक्चर इनका हो सकता है। द एंगल बिटवीन द हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 180। अब 180 कैसे एंगल हो रहा है, तो सिंपल है, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है, 180 होता है। ठीक है, 180 कह सकते हैं, 0 डिग्री कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, 180 इसको कंसिडर किया जाता है, लेकिन मैथमेटिक्स में 180 को 0 डिग्री भी कह सकते हैं, बट इन केमिस्ट्री वी विल से इट 180 डिग्री बिटवीन द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन sp हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड ऑर्बिटल कंसिडर टू हैव अ कैरेक्टर दैट 1/2 ऑफ s एंड 1/2 ऑफ p ऑर्बिटल, यानी एक s मिल रहा है और एक p ऑर्बिटल मिल रहा है, तो इसका मतलब 50% कैरेक्टरिस्टिक उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में s की होंगी और 50% कैरेक्टरिस्टिक उसमें p ऑर्बिटल की होंगी। ठीक है, सेकेंड आपके पास द प्योर py एंड pz। अच्छा, एक s ऑर्बिटल मिल गया और एक p ऑर्बिटल मिल गया, तो आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन हो गई, बट बाकी दो ऑर्बिटल्स का क्या हुआ, फिर वो दो ऑर्बिटल्स अनहाइब्रिडाइज रह गए, यानी उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में कोई हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे पाई बॉन्ड्स की। ठीक है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, जब ये 1s और 1p इसी एक एटम का दूसरे एटम के 1p और 1s के साथ मिलेगा, तो आपके पास सिंपल एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। उसके बाद जो दोनों एटम्स के अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे वो आपस में मिलके सिग्मा सॉरी पाई बॉन्ड क्रिएट कर रहे होंगे। एग्जाम्पल क्या है sp हाइब्रिडाइजेशन की, सबसे पहले एग्जाम्पल आ जाती है इथाइन की। ठीक है, इथाइन के पास इथाइन का स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली इथाइन होता है C2H2। ठीक है, C2H2 आपके पास इथाइन का फॉर्मूला होता है, यानी दो हाइड्रोजन दो कार्बन के साथ मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी ऐसी नज़र आ रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है इसका s ऑर्बिटल कार्बन के sp ऑर्बिटल के साथ मिलके sps ओवरलैपिंग कर रहा है। ठीक है, और एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, इसी तरह आपके पास यहाँ पे जो है एक s ऑर्बिटल दूसरे sp के साथ यानी sp ऑफ कार्बन ऑर्बिटल के साथ मिलके sps ओवरलैपिंग कर रहा है, एक और सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो sp दोनों के कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं ये दोनों सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, कैसे, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके। तो टोटल इथाइन के फॉर्मूले में आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। अब ये 2 पाई बॉन्ड क्या है कि जैसे ग्रीन ऑर्बिटल है, दिस रिप्रेजेंटिंग py ऑर्बिटल एंड दिस py ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन इज रिएक्ट विद इज ओवरलैप विद द अदर कार्बन एटम py ऑर्बिटल टू फॉर्म अस 1 पाई बॉन्ड। देन सिमिलरली pz ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन एटम विल ओवरलैप विद द अदर कार्बन एटम pz ऑर्बिटल्स टू फॉर्म अनदर पाई बॉन्ड। इट्स मीन दिस इथाइन कंटेन्स ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन बोथ कार्बन एटम्स इन विच वन एटम इज सिग्मा बॉन्ड एंड द अदर टू एटम्स विल बी पाई बॉन्ड। ठीक है, तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए आपकी कंडीशन सिग्मा बॉन्ड होनी चाहिए। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड पहले बन गया, उसके बाद py और pz एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना रहे होंगे। ठीक है, py हमेशा py के साथ ओवरलैप करेगा और pz हमेशा pz के साथ ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो ये सिंपल ओवरलैपिंग होगी। इसी तरह आपके पास इथेन के स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे थे, 3 हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन एटम मिल रहा है और इसी तरह दूसरा कार्बन एटम भी 3 हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है, तो टोटल 6 एंड 7 सिग्मा बॉन्ड हो रहे थे। ठीक है, 7th कौन सा, जो कार्बन कार्बन आपस में मिल रहा था, तो वो 7वां सिग्मा बॉन्ड हो रहा था। तो इथेन और मीथेन जितने भी एल्केन फैमिली है उसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, और जितनी भी एल्कीन और अल्काइन फैमिली होती हैं, एल्कीन में एक पाई बॉन्ड होता है और अल्काइन में 2 पाई बॉन्ड आ रहे होते हैं। इसी तरह इथीन में जो था एक पाई बॉन्ड आ रहा था और टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड बन रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे इथाइन में आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड हैं और आपके पास सिंपल 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं। तो आज के लिए यहाँ पे जो है कहते हैं हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी है, उसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स पढ़ी हैं, उसके अलावा उसकी एग्जाम्पल्स को देखा है। तो फर्दर टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। So if you have any queries related to any topic or any chapter, you can contact us on Gmail ID or as well as you can contact us on WhatsApp number. And also if you have any queries regarding this video, you can comment in the comment section box and we will answer your queries. Kindly subscribe and like and share our video. Thank you so much. Don't forget to share, like and subscribe our channel. Thank you so much.